स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर और उसकी डिसिपेशन हमने पढ़ा था जाउल्स लॉ के बारे में। अब उसको हम यूज करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एक एप्लीकेशन है, मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें कब मिलेगा किसी, अगर हम एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रा करें। देखिये यहाँ पर सपोज मैं एक सर्किट ड्रा करता हूँ, बहुत सिंपल सर्किट। इसमें हम दो चीजें कंसिडर करेंगे कि ये आपके पास एक सोर्स है, सोर्स कंसिडर कर ले इसको, मैं एक बैटरी लेता हूँ जो कि एक्चुअली वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इसको हम सोर्स कहते हैं। अभी जो हायर वन है इसको हम बार बार पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, और ये लोअर जो कि हम शॉर्ट ड्रा करते हैं, ये लोअर नेगेटिव पोटेंशियल। अभी यहाँ पर अगर आप देखें सोर्स में, अभी इसके अंदर तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि सोर्स का जो सिंबल है वह हम छोटा ड्रा करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर कि ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो कि एक्चुअली इस सोर्स की वजह से, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, वो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं। सर्किट को कंप्लीट करते हैं यहाँ से, ये आ रहा है सर्किट, और इसी सर्किट में हम एक दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं। कोई आप इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिडर कर ले, कोई हीटर कंसिडर कर ले, कोई भी जिसको हम लोड कहते हैं। ये आ गया इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर अगर हम इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लें तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया इस सोर्स का, जिसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल आर से, या इसको आप इनक्लोज कर ले यूं, तो अभी समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो इस सोर्स का है। ये आप कंसिडर कर लीजिए सोर्स है टोटल, जो हम येलो से शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये वाला जो है, जो लोड है जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इस सर्किट में, वो हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ले ले इलेक्ट्रिकल करंट की, सो ये आ रहा है इलेक्ट्रिकल करंट, आई से इसको शो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, जितना इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा अगर कोई चार्ज यहाँ से आता है यू इस नेगेटिव पोटेंशियल तक, नेगेटिव टर्मिनल तक। सो एक्चुअली इसका बिल्कुल एनालॉगस मीनिंग ये है कि आप सपोज एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप कर लेते हैं यहाँ से, ग्राउंड से आप उसको उठाते हैं, किसी हाइट पर ले जाते हैं। सो देखिए आप इस पर वर्क डन करते हैं, यहाँ पर ये वर्क डन बिल्कुल एनालॉगस है ई एम एफ के लिए, कि जो वर्क डन बैटरी करती है चार्जेस पर, नेगेटिव से पॉजिटिव तक उसको ले जाती है। सो देखिए जब आप वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसको वापस ड्रॉप कर दें, इस ऑब्जेक्ट को वापस यहाँ पर ड्रॉप कर दें, देखिए उतनी ही एनर्जी वो यूज करेगा, यानी जितनी एनर्जी आप उसमें, अगर हम आइडियली बात करें तो उतनी ही एनर्जी यहाँ पर डिसिपेशन या सारी चीजें हम निग्लेक्ट कर लें, सो उतनी ही एनर्जी वो यूज करेगा वापस। तो बिल्कुल इसी तरह बैटरी जितनी एनर्जी उसको देगा उतनी एनर्जी वो यहाँ पर वापस आने में ड्रॉप करेगा। सो ये इलेक्ट्रिकल करंट की हमारे पास डायरेक्शन आ गई। अब अगर हम देखें एक जो चार्जेस के लिए एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर आप देखें एक ही रूट है इलेक्ट्रिकल करंट के लिए, सो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हो सो उनका सम जो है वो क्या होता है, अरिथमेटिकली हम उनको ऐड कर लेते हैं, ऑर्डिनरी तरीके से रेजिस्टर्स को ऐड क्यों कर लें, सो वो टोटल इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर हम ओहम्स लॉ से देखें, ओहम्स लॉ से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर ये वी पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम अप्लाई करते हैं, आई इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पर जो इस सर्किट में मूव कर रहा है, और आर जो है वो रेजिस्टेंस है। अब देखें अगर हम जनरली एक ही रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं सो वो हमारे पास फार्मूला इस तरह होगा ओम ला का, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्चुअली जो बैटरी का वोल्टेज है वो हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं वी से भी, और ई एम एफ भी इसको हम लिख सकते हैं, ई एम एफ भी लिख सकते हैं, यू भी आप इसको शो कर सकते हैं। सो दोनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। सपोज मैं इसको स्पेसिफिकली ई एम एफ से शो करता हूँ, सो ये हो जाएगा ई एम एफ, ये इक्वल हो जाएगा आई आर के, लेकिन ये जनरल फार्मूला है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास दो रेजिस्टर्स है और जिस तरह हमने देखा कि सीरीज में है, सो एक्चुअली हमारे पास टोटल
अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ये जनरली हमने बात की, टोटल अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सो इस सर्किट के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये डेवलप हो जाएगा, ये ईएमएफ इज इक्वल टू आई, करंट दोनों में सेम होगा क्योंकि हमारे पास सीरीज सर्किट है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर आप देखें, सपोज ये तो हमारे पास आ गया ईएमएफ इन दोनों का, यहां से हम इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट है आई, तो अगर बोथ साइड हम इस पे टोटल रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर ले, टोटल रेजिस्टेंस पे, सो देखे जो हमारे पास इक्वेशन बनता है नेक्स्ट वो आ जाएगा आर प्लस आर, इस पे बोथ साइड डिवाइड किया, सो यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रिकल करंट की हमारे पास वैल्यू आती है वो है ईएमएफ, ईएमएफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, लोड का रेजिस्टेंस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम इम्पीडेंस भी कहते हैं, इम्पीडेंस, इन दोनों का सम आ गया। अब देखिए मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, पावर का फॉर्मूला पहले आप देखिए और उसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें कब मिलेगा। अगर आप पावर का फॉर्मूला देखें सो उसको हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म में लिखना चाहते हैं सो आ जाएगा वी आई, वी आई इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा पावर आउटपुट, और इसी तरह अगर हम उसको रेजिस्टेंस फॉर्म में लिखें इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, सो वी की जगह अपनी वैल्यू पुट कर लो जो कि आई आर है, आई आर पुट कर ले यहां पर, तो देखिए आई स्क्वेयर आर के इक्वल हो जाएगा, एक आई पहले से मौजूद है, एक आई आर यहां से आ जाएगा, सो ये हो जाएगा आई स्क्वेयर इंटू आर। अब देखिए चूंकि यहां पर हम स्पेसिफिकली रेजिस्टर्स के साथ डील कर रहे हैं तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि हम नेक्स्ट लिख रहे हैं, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो अब देखिए इसमें हम पावर आउटपुट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू, अगर आप आई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर ले, ये वाली ये आई की जगह वैल्यू पुट कर ले क्योंकि वहां पर फॉर्मूले में आई स्क्वायर है, सो इसका टोटल स्क्वायर हो जाएगा ईएमएफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर आ जाएगा इनटू आर जो कैपिटल आर है क्योंकि वो अपनी जगह पर है, उसमें हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पर यूं आ जाएगा। अब देखें इसको आप ओपन कर लें इस फॉर्मूले को, हमारे पास ये स्कूल लेवल का फॉर्मूला है जो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, वही फार्मूला है, सो ये बन जाएगा ईएमएफ स्क्वायर इनटू लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय, देखिए ये एक है एस ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी प्लस टू ए जो है वो कैपिटल आर है, बी जो है वो स्मॉल आर है। अब अगर आप देखें नेक्स्ट इसको हम बहुत ही सिंपल फॉर्म में, यानी अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, यानी बोथ साइड्स इनके साथ दो टर्म्स हम ऐड कर ले इस फार्मूले के साथ, यानी हम एक्चुअली इसको टोटल आउटपुट फॉर्म में ले आना चाहते हैं ताकि हमारे पास ये और भी सिंपल फॉर्म में आ जाए, सो हम टू आर आर जो है वो ऐड भी करते हैं और यही जो है हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू ई एम एफ स्क्वेयर इंटू आर डिवाइडेड बाय, देखिए अब इसको ऐड कर ले फर्स्ट और सब्ट्रैक्ट भी कर ले, मैं यहाँ पर सपोज सब्ट्रैक्ट करता हूँ और देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया और प्लस ये वाला पहले से मौजूद है टू आर आर, और जब आप एक चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम फिर ऐड भी करते हैं, सो वो ऐड भी हो जाएगा, देखिए ये हम यानी आप किसी क्वेश्चन में ऐसी चेंजेस नहीं कर सकते, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर माइनस टू आर आर, यही चीज यहाँ पर ऐड भी किया, तो एक्चुअली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वही इक्वेशन है, यानी हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, जस्ट हमने टर्म्स इसमें ऐड कर दिए, सो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू ई एम एफ स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जो कि एक्चुअली इक्वल है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये वाला अगर आप दोनों ऐड कर ले तो ये हो जाएगा प्लस फोर आर कैपिटल आर। अब अगर आप देखें अगर दोनों रेजिस्टर्स एक जितने हैं, सपोज आर इज इक्वल टू आर है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सो हमारे पास जो पावर आउटपुट होगा, पावर आउटपुट इस केस में वो हो जाएगा ईएमएफ स्क्वायर इनटू आर डिवाइडेड बाय फोर स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर, ये इक्वेशन बनता है। अब नेक्स्ट देखें अगर आप फॉर एग्जांपल कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर पुट करते हैं
सो आपके पास एक फार्मूला बन सकता है। इसी तरह अगर आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर सकते हैं, यानी अगर दोनों इक्वल हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास फार्मूला हमारे पास जो बन रहा है, पी इज इक्वल टू ई एम एफ स्क्वेयर इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 RR। सपोज दोनों जो इम्पिडेंस और लोड रेजिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल वो इक्वल है, तो देखिए मैं आर की जगह कैपिटल आर पुट कर सकता हूँ, दोनों इक्वल है, सो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, पी पी पावर जो है वो इक्वल हो जाएगा ई एम एफ स्क्वेयर इंटू आर डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं इसकी जगह कैपिटल आर पुट कर लूँ, एक कैपिटल आर पहले से है, सो आर इंटू आर ये बन जाएगा आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर एक आर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो क्या बच जाएगा, पावर जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो बन जाएगा ई एम एफ स्क्वेयर, ई एम एफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 R। एक इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं या यूं भी लिख सकते हैं, अगर सपोज आप कहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, सो आप दोनों को स्मॉल आर से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है, सो हम यूं लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू ई एम एफ स्क्वेयर इंटू स्मॉल आर से रिप्लेस कर ले सबको क्योंकि इक्वल है, तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 4 R² एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा आर, सो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बन जाएगा ई एम एफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। सॉरी यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया, देखिए अगर आप ये वाला फार्मूला देखिए तो यहाँ पर कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल आर क्योंकि वो बचता है यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये दोनों हमारे पास फार्मूले बनते हैं, यानी ये एक्चुअली वो मैक्सिमम आउटपुट के लिए, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं कि अगर आर की जगह कोई दूसरी वैल्यू हम डालते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल ये सपोज बढ़ जाता है इससे, सो फिर भी इसकी कोई वैल्यू आएगी इस टर्म की, या अगर ये बढ़ता है इससे फिर भी इस टर्म की कोई वैल्यू आएगी, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो पावर जो है वो कम हो जाएगा, यानी इस केस में अगर ये दोनों मैच कर ले तब पावर आउटपुट जो है मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा तो पावर आउटपुट मैक्सिमम आएगा, या अगर दोनों अनइक्वल है तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और पावर आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आप फिजिकली देखें इस सर्किट को, फिजिकली आप देखें, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन थी, फिजिकली ये है कि अगर सपोज ये वाला बढ़ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, सो मोस्ट ऑफ द पावर जो है वो यहाँ पर हीट फॉर्म में डिसिपेट होगा और यहाँ पर कम पावर जो है वो एक्सट्रैक्ट होगा। अगर ये वाला बढ़ जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो फिर यहाँ पर जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हमें जो परसेंटेज है वो यहाँ से वो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कम मिलेगा क्योंकि इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो हम देख रहे हैं कि अगर दोनों इक्वल है तब हमें 50% ऑफ द पावर जो है वो मिल जाता है, लेकिन अगर दोनों अनइक्वल है सो पावर जो हमें मिलता है वो 50% से कम होगा। सो ये हमारे पास एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट।